बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां एक भीषण सड़क हादसे में चार लोग वार की रात 11:30 बजे हुआ, जब ये कर्मचारी दफ्तर से घर जा रहे थे। तभी दादरी से नोएडा आ रही बस ने उन्हें रौंद दिया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर शोक जताया, घायलों को समुचित उपचार के आदेश दिए। वर्कर जो कि नाइट शिफ्ट के लिए जा रहे थे, नोएडा डिपो की बस से टक्कर हो गया, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको अस्पताल भेजा गया, बस को कब्जे में लिया गया है। एक व्यक्ति की दौराने इलाज मृत्यु हुआ है, 3 लोगों को दिल्ली रिफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। चालक की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।